तो जब आपको बहुत ही ज्यादा प्यार करने वाला इंसान धीरे धीरे बदलने लगता है तो आपको क्या करना चाहिए? तब आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, जिसका जवाब मैंने अपने कई वीडियो में बताया कि इंसान जब इमोशनली आपसे सेटिस्फाइड हो जाता है तब आपसे दूर हटने लगता है, आपको इग्नोर करने लगता है, आप में कम ध्यान देने लगता है। और इसीलिए बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले लोग ना ऐसी सिचुएशन पे आ जाते हैं कि अब वो आपको इग्नोर करने लगते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इस प्रॉब्लम को आपको कैसे डील करना चाहिए, जानेंगे इस वीडियो में। सबसे जो पहली चीज़ के बारे में आपको बताना चाहूँगा, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो ये प्रॉब्लम हुई है ना वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसका सॉल्यूशन आसानी से आप ना कर सको, लेकिन ये चीज़ करने के बाद ये प्रॉब्लम ना इसे दो गुनी बड़ी हो जाती है। और वो चीज़ है कि अब ना इस बात को लेकर अपने पार्टनर से फाइट अवॉइड करिए। सबसे पहली चीज़ कि मान लीजिए कि वो बदल गया है, लेकिन आपको इन चीज़ों को लेकर फाइट नहीं करनी है। कैसे ना करें? क्योंकि अब तक जो इंसान इतना प्यार कर रहा था अचानक से बदल जाए, उसने जो जो बातें कही थी अचानक से उनका वो चीज़ें उल्टी करने लगे तो गुस्सा नहीं आएगा? हाँ आएगा। यह आपकी बात एकदम सही है कि इस टाइम पे आपको बहुत गुस्सा आएगा, कुछ चीज़ें समझ में भी नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आपको शांत रहना चाहिए, क्योंकि हम अभी उनके सामने इन्हीं बातों को लेकर फाइट करेंगे कि तुम बदल गए हो, तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, तुम ये हो वो हो, पर सामने वाले इंसान के लिए ना आपकी किसी भी बात का ना जवाब नहीं है। इसलिए पहले तो आपको इग्नोर कर रहा था, अब आपके क्वेश्चन को भी इग्नोर करेगा, आपको और बुरा लगेगा और दोनों ही एक दूसरे को अच्छा बुरा कहने लगेंगे। ऐसे क्या होगा कि बहुत बुरी फाइट होगी, डिस्टेंस क्रिएट होगा और दोनों ही अपने अपनी जिद पे आ जाएंगे, समझ लो ना। लेकिन हम ऐसा दिखाएं नहीं, हम ऐसा जताएं नहीं कि हम तुम्हारी इन हरकतों के कारण बहुत ज़्यादा बुरा महसूस करें। एक्चुअल में कर तो रहे लेकिन नहीं दिखाएंगे, क्योंकि देखो दिखाने से ना दिखाने से वो चीज़ सही तो होने वाली नहीं है, और कहीं ना कहीं उनको भी पता होता है कि हाँ यहाँ पर आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो फिर वो चीज़ चिल्ला के बताने से, वो चीज़ झगड़ कर या रोकर बताने से ये चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ेगी। तो सबसे पहली चीज़ कि हमें ये ध्यान रखना है कि फाइट नहीं करनी है, उनको नहीं बताना है, क्योंकि बात सही होने की तो और है लेकिन और ज़्यादा चीज़ें खराब हो जाएगी। दूसरी ऐसी चीज़ है दोस्तों जो आपके इस प्रॉब्लम को ना बहुत अच्छे से हैंडल कर लेगी, आपके इस प्रॉब्लम को ऑलमोस्ट सोल्व कर देगी, अगर आपने पहली वाली गलती ना की तो। क्योंकि पहली वाली गलती की तो ये प्रॉब्लम अब कुछ और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, अगर कर भी दी है तो भी कोई इतना इश्यू नहीं है, थोड़ा टाइम और एफर्ट आपको ज़्यादा लगेगा बस, पर अगर आपने नहीं किए तो इजीली हो जाएगा। वो चीज़ होती है इमोशनली ना आपको इंडिपेंडेंट होना है। इस वर्ड को थोड़ा सा आपको समझ लेना है कि आपको उस व्यक्ति से इमोशनली इंडिपेंडेंट होना है। अब हम ना किसी के ऊपर इमोशनली डिपेंड होने का मतलब ये होता है कि जब वो इंसान बात नहीं करता, जब वो इंसान हमारे साथ सही से नहीं रहता, तब हम दुखी रहने लगते हैं, मन नहीं लगता, हम परेशान होने लगते हैं। तो हमें ना इमोशनली इतने इंडिपेंडेंट होना है कि वो इंसान सही रिएक्ट करे, गलत रिएक्ट करे, कुछ भी करे, आपकी लाइफ में ना उनसे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आना चाहिए। जैसे अगर किसी ने अच्छे से बात नहीं कर ली तो आपका मूड ख़राब हो गया, या उसने बहुत अच्छी तरह से बात की तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए। तो इसका मतलब आपकी जो हैप्पीनेस है, आपके इमोशंस है, सामने वाले इंसान के ऊपर डिपेंड है। तो हाँ, इनके तरीके मैं आपको बताऊँगा कि कैसे, पर ये बात आपको याद रखनी है कि मुझे इमोशनली इंडिपेंडेंट होना है। उसके बिना वापस से उस इंसान का ध्यान, अटेंशन, उनका प्यार, केयर आपकी तरफ नहीं आएगी, जब तक हम ये जताएंगे कि हम उनके ऊपर डिपेंड हैं। और कहीं ना कहीं जब हम डिपेंड हो जाते हैं ना दोस्तों, तो हमारा प्यार, इमोशन सब उनके लिए इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, उन चीज़ों से ना वो बंदा इरिटेट होकर, सेटिस्फाइड होकर हमसे दूर होने लगता है। तो सबसे पहले फाइट नहीं करी। अब दूसरी चीज़ आई कि भाई इमोशनली इंडिपेंडेंट बनना है। ओके, पर यार हम तो उनके ऊपर डिपेंड है, हम तो रह ही नहीं पाते, क्या करेंगे? करेंगे, हम ट्राई करेंगे अपने आप को रखने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए कि हम उनके बिना रहें। क्योंकि ट्राई करने से ना डेफिनेटली चीज़ें एकदम से तो नहीं होगी, लेकिन धीरे 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 होगी। लेकिन फिर भी आपको इमोशनली इंडिपेंडेंट होना है, तो तीसरी चीज़ जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी लाइफ में ना कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस कहीं और जगह से आए हैं।
मतलब इस रिलेशन से नहीं, जस्ट इस पर्सन से ही नहीं। अभी हो क्या गया है ना कि हमारी हैप्पीनेस और हमारा कॉन्फिडेंस इस इंसान के ऊपर डिपेंड है, मतलब वो बात करेगा तब हम खुश है। तो कहीं ना कहीं हम अपने बारे में बुरा फील करने लगते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस ही नहीं है अपने आप को लेकर, लाइफ को लेकर, हर चीज़ में इस प्रॉब्लम के कारण ना कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है और कहीं ना कहीं हम हैप्पी भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि हम अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ें क्रिएट करेंगे, वो अपने काम में हो सकती है, अपनी हॉबीज़ में हो सकती है, जो कुछ करना आपको रियल में अच्छा लगे और वो चीज़ करने से ना आपका कॉन्फिडेंस वापस आए। व्हाटएवर आप कुछ अच्छा काम करिए, कुछ भी, वो आपके करियर के रिलेटेड भी हो सकता है या दूसरों की हेल्प करने वाली बात, जहाँ पर कुछ लोग आपको इसके लिए अच्छी चीज़ें कहे या आपको अच्छा फील हो कि रियल में मैं अपनी लाइफ में कुछ मीनिंगफुल चीज़ें कर रहा हूँ। और जब आप ऐसी चीज़ों को पकड़ोगे ना, तो वहाँ से उन चीज़ों को करने का धीरे धीरे आप में कॉन्फिडेंस बनेगा और कॉन्फिडेंस के साथ भी आपको हैप्पीनेस धीरे धीरे फील होने लगेगी। अब आपका कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस उस इंसान के ऊपर डिपेंड नहीं है, क्योंकि अब ये चीज़ें करके आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं, मैं भी कुछ लाइफ में अच्छा कर सकता हूँ, मैं भी कुछ हूँ। वहाँ पर जब लोग हमें ऐसे ट्रीट करते हैं ना, जब हमें इग्नोर करते हैं ना, तब हमें लगता है कि यार नथिंग, मैं कुछ नहीं हूँ अपनी लाइफ में, मैं कुछ नहीं करता, मैं कुछ नहीं जानता। ऐसे थॉट आते हैं जो हमारे कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन हमें कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढनी चाहिए जो रियल में हमें करनी पसंद होती है और जिससे हमारी लाइफ में कॉन्फिडेंस वापस आए। ये दो चीज़ें आ गई ना, तो आप इंडिपेंडेंट, उनसे इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाओगे। फिर आप ऐसे जियोगे जहाँ पर आप जो फील करते हो, जो आपको अच्छा लगता है, जहाँ पर आपकी चीज़ों के ऊपर आपका फोकस होगा, ना कि आप ऐसा सोचते रहोगे कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कहाँ पर है, ऑनलाइन है, किससे मिल रहा है। जब ऐसी चीज़ें आपकी वहाँ पर ऑब्जर्व करना बंद हो जाएगी तो क्या होगा, अब उस पर्सन से आप लड़े तो हो नहीं, उस पर्सन से आपका कोई झगड़ा तो है नहीं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में उन चीज़ों का ख्याल रखा था। तो वो जो पर्सन था आपका पार्टनर, जो आपसे इरिटेट हो गया था, क्या वो आपकी लाइफ को देखेगा नहीं क्या, क्या वो ये नहीं सोचेगा कि आपकी लाइफ में कुछ अलग हो रहा है, आप कुछ बदल रहे। जब ये चीज़ें आपने वो नोटिस करेगा तो उनकी क्यूरियोसिटी और बढ़ जाएगी आपके बारे में जानने के लिए कि ये कैसा हुआ। हालांकि लोग पसंद नहीं करते जब उनको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम जब उनके बारे में सोचना बंद कर देते ना, तो उनको जलन और जेलसी होगी कि ऐसा कैसे हो गया कि जो इंसान मेरे ऊपर डिपेंड था आज मेरे बिना वो खुश है। तो नेचुरली उनका अटेंशन बनेगा और उनकी इमोशनल नीड जो हमसे सेटिस्फाइड होगी वो भी क्रिएट होगी। चौथी चीज़ कि इसमें ना पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि अब बहुत सारे लोग जिनसे मैं बात करता हूँ वो कहते हैं कि आप जैसा बोल रहे थे ना वैसा मैंने 5 दिन किया। 5 दिन? 5 दिन नहीं दोस्तों, इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। वो रिजल्ट आपको स्टार्टिंग में ना भी दिखे फिर भी आपको वो चीज़ें कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग 5 दिन या 7 दिन करके डीमोटिवेट हो जाते हैं। उनको लगता है कि मैं कर तो रहा हूँ 5 दिन से, एक्चुअल में मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा है। भाई 5 दिन में उस इंसान ने नोटिस भी नहीं किया, उनको पता भी नहीं, और 2 दिन तुम 4 दिन रिए कर लो तो तुमने बनाया है ना कि भाई तुम्हारे बिना हम रह नहीं सकते। वो बात उनके भेजे में बिठाई है ना, वो 5 दिन में क्या निकल पाएगी। लेकिन ऐसी चीज़ें महीने ले सकती है, 2 महीने ले सकती है। अब कैसी सिचुएशन है, कैसा रिलेशन है, कैसा पर्सन है, ये सारी चीज़ें मायने रखती है। पर हाँ, टाइम ज़रूर लगता है जब सामने वाले इंसान के माइंड में हमें अपनी आइडेंटिटी को, अपनी इमेज को एकदम से चेंज करना है, तो वो 5 दिन में कभी नहीं हो सकती। तो हाँ, इस बात का ध्यान रखो कि तुम जो करोगे उसमें पेशेंस रखना पड़ेगा और एफर्ट भी लगेगा, पर टाइम पे कभी कभी ऐसा भी लगेगा कि तुम डीमोटिवेट होगे, पर फिर भी तुम्हें वो चीज़ें छोड़नी नहीं है, क्योंकि छोड़ दोगे तो जितना भी तुमने एफर्ट लगाया उसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा। थैंक यू सो मच।